आप आ गए। देखिए आज का वीडियो वीडियो नंबर 39 सीक्वल है। अगर आपने वीडियो नंबर 39 नहीं देखा तो शायद आपको समझने में कोई कठिनाई हो, तो आई हैवली रिकमेंड यू कि आप जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि यूनोस्पर्म क्या होते हैं और उनका बिहेवियर, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया हुआ है। और आज का हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन यूनोस्पर्म। पर क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं टैक, आपका बॉटनी टीचर। उससे पहले हम स्टार्ट करें, उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। देखिए, जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आज हम जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सिर्फ 3 स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला फीमेल स्पोर का बनना, जिसे हम मेगा स्पोर कहेंगे। दूसरा मेल स्पोर का बनना, जिसे हम पॉलन या माइक्रोस्पोर बोलेंगे। और तीसरा है फर्टिलाइजेशन। और आपको इसके बाद का तो पता ही है, क्योंकि इसके बाद एम्ब्रियो जाइगोट मिला जुला कर सीड ही बनने वाला है। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, वो ये कि यह है इनका स्पोरोफिटिक प्लांट यानी कि 2N। पर एक बात आप ये बताइए, हम पाइनस या साइकस किस पौधे को, सॉरी ट्री को लेकर चलें? क्योंकि अगर हम किसी एक के आधार पर चलेंगे तो ही आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए हम दोनों को देख लेते हैं, और ऐसा ही आप बाकी सभी जिम्नोस्पर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये है साइकस का मेल कोन, और ये है साइकस का फीमेल कोन, और ये है पाइनस का मेल, और ये है पाइनस का फीमेल कोन। देखिए, हम आपको हर वीडियोस में कहते हैं कि साइंस टर्मिनोलॉजीज पर चलती है। जितने आपको अच्छे से वर्ड्स क्लियर रहेंगे, उतनी आसानी से आपको साइंस समझ में आएगी। तो देखिए, फाइटा जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हम प्लांट्स या पौधे, ट्रीज, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, और जो फील होगा उसका यूज होता है लीव्स के लिए। तो अगर हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज का यूज करें तो ऐसी पत्तियां जो फीमेल स्पोर या यूँ कहें मेगा स्पोर के निर्माण में भाग ले, उन्हें हम मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे। और वैसे जो माइक्रोस्पोर यानी कि मेल स्पोर के लिए जिम्मेदार होंगे, उन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल। और फिर यही स्पोरोफिल्स आपस में कॉम्पैक्ट, ढेर सारी आपस में जुड़ जाती हैं और एक कोन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं। किसमें? जिम्नोस्पर में। देखिए, हम सबसे पहले माइक्रोस्पोर को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजियास बनेंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर्स के घर, और उसी में माइक्रोस्पोर बनेंगे मियोसिस डिवीजन के द्वारा। और ये आपका गैमेटोफिटिक स्टेज है, यानी कि एन। हे, आपने मुझे पहचाना? एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब सारे स्पोरोफिल आपस में इकट्ठे जाते हैं ना, उन्हें हम कोन या स्ट्रोबिलाई कहेंगे। हाँ, तो टैटू तुम्हारा हो गया। हाँ सॉरी, जा रहा हूँ। तो देखिए, इन माइक्रोस्पोर्स को हम पॉलन कहेंगे। देखिए, अगर हम पाइनस के पॉलन्स को देखें तो वे विंग लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होती हैं। उन पे हमें एक विंग जैसा, दोनों साइड विंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जो इन्हें हवा में उड़ने में काफ़ी मदद करता है। अब एक फन फैक्ट सुनिए, वो ये कि जब सीजन आता है किसका, पॉलिनेशन का, तब इतने ज़्यादा मात्रा में पॉलन्स हवा में डिस्पर्स करते हैं कि वे एक येलो कलर के क्लाउड को फॉर्म कर लेते हैं, जिसे कभी कभी सल्फर क्लाउड भी कहा जाता है या एलर्जिक क्लाउड, क्योंकि ये कई सारे लोगों के एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर येलो क्लाउड। देखिए, जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन्स होते हैं ना, वे एक पॉलन ट्यूब का फॉर्म जरूर करेंगे, और बाद में यही पॉलन ट्यूब जो होगा वो मेगा स्पोर के पास जाएगा और अपना न्यूक्लियस मेगा स्पोर में ट्रांसफर करेगा। चलिए, हमने तो माइक्रोस्पोर की बातें कर ली, अब बारी आती है मेगा स्पोर की। और ये भी हमारा स्पोरोफिटिक नहीं, गैमेटोफिटिक स्टेज है, यानी कि एन। देखिए, जो ओव्यूल है उसके अंदर आपका मेगा स्पोरेंजियम पाया जाएगा, और मेगा स्पोरेंजियम में कोई एक सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि सबसे पहला स्टार्ट उसी ने किया है, तो उसे ही हम बोलेंगे मेगा स्पोर मदर इनिशियल सेल।
और इसी तरह वो बाकी सारे सेल्स को हटा देगी और अपने चारों तरफ एक लेयर जिसे हम इंट्यूगमेंट कहेंगे फॉर्म कर लेगी और हेप्लॉयड डिवीजन यानी यू कहें मियोसिस के द्वारा चार मेगा स्पोर का निर्माण करेगा जिसमें से बाकी तीन तो डीजेनरेट यू कहें खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक जो होगा वही फूड स्टोर करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और एक बात, इसके अंदर जो आर्किगोनिया बनेगा वो दो या ज्यादा भी हो सकते हैं। और फिर जो हमने माइक्रोस्पोर या यू कहें पॉलन में जो पॉलन ट्यूब बनाया था उसमें से वो ट्यूब आएगा और यहाँ फीमेल या यू कहें मेगास्पोर के मेगास्पोर में एक होल पाया जाएगा जिसे हम माइक्रोपाइल कहेंगे। इन रियल वो होल नहीं होता, उसी से अंदर आकर अपना न्यूक्लियस आर्किगोनिया को ट्रांसफर कर देगा। और आर्किगोनिया में क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही, एग। तो अब ये एग और पॉलन से आया हुआ न्यूक्लियस दोनों आपस में मिलकर फर्टिलाइज करेंगे, उसका एन इसका एन मिलाकर 2N, और दोबारा से स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस, ओस्पोर, प्रो इम्ब्रियो, फिर इम्ब्रियो और लास्ट में आपका सीड या यू कहें बीज बन जाएगा जो नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ तक तो हम सब आ गए। देखिए, हमने आपको डिटेल सिंप्लिसिटी के साथ दिया। और कुछ जीव वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, तो अगर आपको यही वीडियो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज़। इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ एक नोटिस, हे नोटिस मैं देता हूँ, ठीक है तुम ही बता दो। देखिए, अगर आपको इंटर या ग्रेजुएशन लेवल के प्रैक्टिकल्स को जैसे कि स्लाइड प्रिपरेशन, माउंटिंग, डाइसेक्शन, हर्बेरियम जो भी हो, अगर ये सभी आपको सीखना है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारी मदद करेंगे तो ही आपकी मदद कर पाएंगे, प्लीज़ समझिए बात को। तो ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।